अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ अमजद आज़ाद और आज़ाद लेंस पे आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज की इस एपिसोड में मैं आपको एडिनबरा शहर के मशहूर हॉलीवुड पार्क और इसमें वाक़ ज़माना कदीम की वोल्केनो जो आर्थर सीट के नाम से जानी जाती है की सैर करवाऊँगा। आर्थर सीट के टॉप तक जाने के लिए आपके पास मुख्तलिफ रस्ते मौजूद हैं, जिनमें एक रस्ते से आप अगर चाहें तो गाड़ी में आर्थर सीट के आधे तक जा सकते हैं। शुरू में पाई जाने वाली ये झील सेंट मार्गरेट्स लॉक कहलाती है। ज़्यादातर लोग जिस रास्ते से टॉप पे जाते हैं वो रास्ता इस झील के पास से होता हुआ इस दीवार के पास से ऊपर जाता है, और ये दीवार 12वीं सदी में तामीर किए गए सेंट एंथनी चैपल की है, जो कि अब सिर्फ एक दीवार बाकी रह गई है। अगर आप पैदल आर्थर सीट के ऊपर नहीं जाना चाहते या जा नहीं सकते तो भी कोई मसला नहीं, आपको जो रोड दिखाया है वो आपको यहाँ डनसेपी लॉक के पास लेके आता है। यहाँ पे आपके लिए पार्किंग का इंतज़ाम पूरा पूरा है, आप यहाँ से भी आधा एडिनबरा इंजॉय कर सकते हैं। आर्थर सीट की एक तरफ सेंट मार्गरेट्स लॉक है, यहाँ से रास्ता होता हुआ ऊपर सेंट एंथनीज वेल एंड चैपल के पास से ऊपर लेके जाता है आर्थर सीट के टॉप पे, और बिल्कुल दूसरी साइड पे डेडिंगस्टन विलेज और डेडिंगस्टन लॉक। यहाँ पे आपके लिए कार पार्किंग, पार्किंग की दूसरी साइड पे वहाँ से नीचे रेडिंगस्टन लॉक। आर्थर सीट के टॉप पे जाने के लिए डेडिंगस्टन विलेज वाला रास्ता बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं, इसलिए यहाँ पे माहौल बहुत ही पुरसकून है। जगह जगह पे बेंचेस आपके लिए मौजूद हैं, और साथ ही ये डेडिंगस्टन झील, और फिर अगर आप
ऊपर जाना चाहें तो वो भी आपको रास्ता दिखाता हूँ। इस रास्ते से ब्रेक किए बगैर ऊपर जाने के लिए आपका हल्का सा फिट होना ज़रूरी है। अगर आप मेरी तरह हल्के से अनफिट हैं तो फिर आप आराम से ब्रेक लेके ऊपर जा सकते हैं। तो आइए, मेरी ब्रेक हुई है अब मुकम्मल, तो आपको आगे लेके चलता हूँ। इस ब्रेक के साथ ही आइए अब आपको लेके चलता हूँ आर्थर सीट के टॉप पे। रास्ते से कुछ व्यूज़ चेक करवाने हैं और फिर टॉप पे जाके एडिनबरा शहर का 360 व्यू। अगर मैं ऐसी जगहों पे वीडियो बनाता रहा तो हल्का सा फिट ज़रूर हो जाऊँगा। ये था तीसरा रास्ता जो आपको आर्थर सीट के ऊपर लेके जाता है। अब हम आर्थर सीट के दरमियान में मौजूद हैं, आप यहाँ के व्यूज़ इंजॉय करें। डनसैपी झील के पास अगर आप अपनी गाड़ी पार्क करें तो वहाँ से आर्थर सीट के टॉप तक जाने के लिए आपको आधा घंटा चाहिए। और टॉप पे जाके आप पूरे एडिनबरा शहर को एक जगह से देख सकते हैं और साथ ही जो आसपास के छोटे कस्बे गांव हैं उनका नज़ारा भी एंजॉय कर सकते हैं। तो आएँ अब आपको आर्थर सीट के टॉप से पूरा एडिनबरा शहर घुमाता हूँ।